थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अल्पना मैम को कि मैम ने आज मेरा इतना गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, और मैम आपका भी स्वागत इस पैनल पे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी अल्पना मैम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों आज इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, आप सभी का आज के इस जूम मीटिंग में मैं स्वागत करना चाहूँगा, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जिस चीज को करके हम और आप अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है एक फैमिली में जब कोई बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेवारी उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो जैसे बड़े होते हैं और वो जैसे माँ बाप बनते हैं तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। यस या नो? तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम और आप जब आए थे, जब हम और आप नए थे, उस समय हम भी इस बिजनेस में बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने इस बिजनेस में सीखा और काम करना स्टार्ट किया, वैसे इस बिजनेस में हमें और आपको भी माँ बाप बनने का मौका मिला। यानी कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आए, और दोस्तों अभी नेटवर्क को आगे बढ़ाना है और इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं हमें जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है। और अगर इस बिजनेस के अंदर जो भी लोग जिम्मेवारी लेके काम करते हैं दोस्तों, उनको इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफलता मिलती है। और मुझे पक्का विश्वास है आज इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, आप सारे लोग इस बिजनेस में तेजी से सफल होना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने लिए सबसे पहले तो एक जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों इस बिजनेस का पहला पड़ाव, जिसको हम और आप बोलते हैं सिल्वर, जिस लेवल को अचीव करने के लिए हमने और आपने 10,000 बीबी कंप्लीट करना होता है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आज इस पैनल पे ऐसे ढेर सारे लीडर्स होंगे जो सिल्वर है, और ऐसे ढेर सारे लीडर्स भी होंगे जो सिल्वर नहीं है, जो फ्रेशर्स है। और मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सिल्वर है तो सिल्वर की क्या क्या ड्यूटीज है, सिल्वर लेवल के लीडर ने कौन कौन से काम को करना चाहिए, उस चीज को, वो चीज अगर आपको पता चल जाए, अगर वो चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इस बिजनेस में तेजी से आगे ग्रो करेंगे। और जितने भी लोग इस पैनल के अंदर जो सिल्वर नहीं है, तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने सिल्वर बनने से पहले सिल्वर के रोल को अगर फॉलो करना शुरू कर दिया, अगर सिल्वर की चीजों को अगर आपने मानना शुरू कर दिया, सिल्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आपने निभाना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आप और तेजी से इस बिजनेस में ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों आज हम कुछ बातें करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में लोग आते हैं, काम करते हैं और सिल्वर बन जाते हैं, लेकिन सिल्वर बनने के बाद में भी हमें ये पता ही नहीं होता है कि सिल्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। लेकिन अगर ये हमें सिल्वर की ड्यूटीज अगर हमें पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ये बात करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों हम और आप जिस बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, दोस्तों यहाँ पे हमने और आपने वर्किंग कल्चर डेवलप करने की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों वर्किंग कल्चर एक ऐसा कल्चर है, अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा पहले जमाने में एक जॉइंट फैमिली रहा करते थे, जिसमें बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। उस परिवार में क्या होता था, झगड़े भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन वहां पे वर्किंग कल्चर डेवलप किया गया, सबको सबका काम सौंपा गया। उसके बाद में क्या होता था, लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे और अपने ही काम में पूरा दिन बिजी रहते थे, और उससे क्या होता था, झगड़ा भी नहीं हो पाता था। तो उसी तरीके से फिर लोगों ने क्या किया, समय बदला, लोगों की नौकरी लगी, एक ऐसा समय आया लोगों ने नौकरी करना शुरुआत किया। नौकरी के अंदर भी वर्किंग कल्चर होता है, बॉस सबको काम देता है। यस या नो? बॉस सबको काम देता है, और उस काम की वजह से लोग अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं,
और उसी काम को करने की वजह से लोगों को सैलरी मिलता है, और अगर वहां पे कोई काम ना करे तो उन्हें उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी बॉस अपने ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहता जो लोग काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ के मालिक हम और आप खुद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने और आपने वर्किंग कल्चर डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है, यानी कि काम करने की परंपरा। आप चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपके नेटवर्क में लोग भी काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों हमने काम करना शुरू करना पड़ेगा, और दोस्तों हर लेवल पे हमने काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें और आपको देख के हमारे नेटवर्क हमारे लोग भी इस बिजनेस में काम करेंगे। हर लेवल का आदमी, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो टोपाज हो, चाहे एमराल्ड हो, चाहे रूबी हो, हर लेवल का आदमी काम करेगा तो दोस्तों हर इंसान काम करना शुरू करेगा, और काम वर्किंग कल्चर डेवलप होगा नेटवर्क में। और जिस नेटवर्क में वर्किंग कल्चर डेवलप होता है तो वहां पे एक फ्रेशर भी झंडा गाड़ता है, एक फ्रेशर भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करता है। तो मैं बात करूंगा सिल्वर की जिम्मेवारियां। अगर आप सिल्वर लेवल पे है या आप नहीं भी है, तो सिल्वर की ऐसी कौन सी ड्यूटीज है जो सिल्वर अगर फॉलो करेगा तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। सबसे पहले दोस्तों हम और आप जब इस बिजनेस में आते हैं, हम और आप सिल्वर बन जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीजें जो हमने फॉलो करना है। सबसे पहला है दोस्तों, हमने अपने पहनावों पे ध्यान देना है। हमारी वेशभूषा बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में जैसे सिल्वर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारा आइडेंटिफाई करते हैं, फलाना सिल्वर लीडर आने वाला है, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अगर हमारे वेशभूषा अगर बढ़िया नहीं है तो दोस्तों इस बिजनेस को हम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अपने वेशभूषा को सही करने की जरूरत है, और बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा नया कपड़े पहनिए, जो भी ड्रेस आपके पास में है उसको साफ सुथरा होना चाहिए, और बढ़िया तरीके से आयरन करके आपने उसको पहनना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमारा अगर कोई शोरूम है तो वो है हमारा ड्रेस, हमारा शरीर। तो ये जितना बढ़िया होगा हमारा बिजनेस भी उतना दमदार होने वाला है। दूसरा दोस्तों, इस बिजनेस में हमने और आपने अपने काम करने का रूटीन बनाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो इस बिजनेस में तो है लेकिन वो नाम के है। हमारा रोज हमारे पास में 24 घंटा होता है, और वो 24 घंटा ऐसे निकल जाता है, हम कोई काम नहीं करते, लेकिन दोस्तों हम अपने आप को बोलते हैं कि हम सेल्स ऑफ एडवाइजर है। ऐसा करेंगे तो हमारा बड़ा काम होने वाला नहीं है, हमने अपना रूटीन बनाने की जरूरत है। अगर आप अपनी नौकरी करते हैं तो दोस्तों अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस में आप कितना घंटा काम करने वाले हैं, अपना रूटीन बनाइए, आप डिसाइड कीजिए। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे हाउसवाइफ काम करते हैं, आप अपने घर के कामों को करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने पूरे परिवार को संभालते हुए इस बिजनेस में आप कितने घंटे काम करने वाले हैं, आपने उसको डिसाइड करना, अपना रूटीन सेट करना है, ताकि आप काम करते हुए इस बिजनेस में रोज अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपने हिसाब से आप समय निकाले और इस बिजनेस में काम करें। रोज काम करना पड़ेगा आपको इस बिजनेस में, अगर आपको सफल होना है तो आप अपनी रूटीन बना ले, अपनी समय सीमा बांध ले कि इतना टाइम तो मैंने सिर्फ सबका काम को करना ही है, चाहे किसी भी हाल में। तो रूटीन बना के काम करना है और डेली काम करना है। तीसरी चीज दोस्तों, अगर हम और आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो दोस्तों चुपचाप से काम नहीं करना है। आपने इस बिजनेस में कोई भी काम किया है उसकी रिपोर्टिंग, उसका फीडबैक आपने अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाना है कि आज आपने कितना काम किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बताया, कितने लोगों को आपने भगवद गीता का डेमो दिया, कितने लोगों को अपनी कितनी टीम को आपने कॉल किया, कितने अपनी टीम के अंदर कितने लोगों को आपने बिजनेस के बारे में सिखाया, आपने जरूर अपने अपलाइन को फीडबैक देना है। ज्यादातर लोग करते क्या है, वो काम तो करते हैं लेकिन वो फीडबैक नहीं देते, लेकिन वो फीडबैक नहीं देते तो उनके एलओएस में सपना नहीं आता कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसका काम नहीं चलता है तो उनके अपलाइन को ऐसा लगता है कि वो बंदा काम नहीं कर रहा है।
लेकिन आप लगातार अगर अपना फीडबैक भेजते रहेंगे तो आपका अपलाइन को पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं, और अगर आपके काम के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपका अपलाइन आपको उसमें मदद करेगा, आपके काम को सुधारने की कोशिश करेगा, कहाँ गलती हो रही है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और आगे रिजल्ट निकालने में आपको सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए जरूरी है फीडबैक, आप जरूर फीडबैक की आदत डालें और रोज अपने सीनियर को अपने पूरे काम का फीडबैक आप जरूर दें। उसके बाद में दोस्तों, एक जो सिल्वर होता है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक सिल्वर लीडर के नेटवर्क के अंदर हर हफ्ते नए नए लोगों की ज्वाइनिंग जरूर होती है, तो एक सिल्वर लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका FIM होना चाहिए। ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक सिल्वर लीडर की। आपने ये देखना आपके नेटवर्क के अंदर इस हफ्ते कितने लोग जुड़े और उनका FIM हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपने सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनकी FIM करवानी है, ये सिल्वर लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा वीकली ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना, ये एक सिल्वर लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नेटवर्क के अंदर वीकली ग्रुप मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कराइए। होता क्या है, सिल्वर क्या सोचता है, गोल्ड करेगा, गोल्ड सोचता है पर्ल करेगा, तो हर कोई सोचता है ये करेगा वो करेगा, लेकिन दोस्तों ये बिजनेस आपका है, शुरुआत आपने करना पड़ेगा। आप खुद अपने आप से शुरुआत कीजिए, आप खुद अपनी ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराइए, चाहे हो सके तो खुद आप खुद अपनी ग्रुप मीटिंग कीजिए या फिर आप अपने अपलाइन के माध्यम से अपनी ग्रुप मीटिंग कराइए। सिल्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार हर हफ्ते अपने नेटवर्क के अंदर ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराए। उसके आगे सिल्वर ने एक फॉर्मूला अपनाना है, इच वन टीच टेन। अगर आप सिल्वर बन चुके हैं या आप सिल्वर तेजी से बनना चाह रहे हैं तो आपने दोस्तों 10 लोगों को सिखाने की कोशिश करनी है। आप इस बिजनेस के अंदर आके कौन कौन से काम आप जानते हैं, कौन कौन से काम करके आप सिल्वर बने हैं, अगर वो सारे काम अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर अगर 10 लोगों को अगर आप सिखा देते हैं तो दोस्तों वो 10 लोग भी बहुत तेजी से सिल्वर बन सकते हैं। तो इच वन टीच टेन का फॉर्मूला अपनाना है और अपने नेटवर्क के अंदर लेफ्ट से 5 लोगों को और राइट से 5 लोगों को लेके उनको वो सारी चीजें सिखानी है और उनको बताना है कि आप सिल्वर कैसे बने। तो दोस्तों जब आप उनको ये सिखाएंगे तो वो भी तेजी से सिल्वर बन सकते हैं और उनको भी आगे ये प्रमोट करना है कि वो भी आगे इच वन टीच टेन का फॉर्मूला अपनाए और वो भी अपने नेटवर्क में आगे 10-10 लोगों को सिखाए। होता क्या है दोस्तों, इस 10-10 में जब हम काम करते हैं हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते हैं, लेकिन दोस्तों उससे आगे हम जिसको सिखाते हैं वो आगे लोगों को नहीं सिखा पाते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। तो सामने वाले को सिखाने के साथ साथ उनको ये भी बताना है कि वो आगे उन्होंने ये सीखा है तो वो आगे 10 लोगों तक इस काम को पहुंचाए और 10 लोगों तक इस काम को सिखाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पैनल पे जितने भी लोग हैं आप सभी लोगों ने इच वन टीच टेन का फॉर्मूला जरूर आपने अपनाना है, जरूर आपने अपने लोगों को नेटवर्क को आप कैसे सिल्वर बने ये जरूर उनको सिखाना है ताकि वो तेजी से आगे बढ़े और वो तेजी से आगे सिल्वर बन पाए। उससे आगे अगर आप सिल्वर है तो आपने एक बढ़िया एंकर और एक बढ़िया प्लानर आपने बनना है। आपको एंकरिंग करना आना चाहिए, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, ये आपने सीखना है। नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से टाइम लीजिए, एंकरिंग करना सीखिए। रोज हमारे जूम पैनल के अंदर मीटिंग्स होती है, हमारा प्लान चलता है तो वहां पे आपने हिस्सा लेना है, अपने अपलाइन को बताना है। अक्सर लोग बोलते हैं सर मुझे मौका नहीं मिलता, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी जूम पैनल पे एंकरिंग करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मौका कभी नहीं मिलेगा। आप अपने अपलाइन को फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि हम एंकरिंग करना चाहते हैं सर, हमें मौका मिले हम एंकरिंग करना चाहते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और आप पैनल पे आइए, आप एंकरिंग कीजिए। आप एंकरिंग करेंगे जूम पैनल पे ढेर सारे लोग होते, अगर आप एंकरिंग करेंगे ढेर सारे लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, अरे फलाना। तो दोस्तों ये अगर आपको चाहिए तो आपने एंकरिंग सीखना पड़ेगा, आपने प्लान सीखना पड़ेगा और आपने अपलाइन को बताना पड़ेगा कि सर मैं तैयार हूँ, सर
मुझे मौका दीजिए सर, मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ, मैं प्लान करना चाहता हूँ। आप तैयारी कीजिए, जूम पैनल पे आइए और एंकरिंग और प्लान कीजिए, इसको शुरुआत कीजिए। और आपने अभी अपने नेटवर्क के अंदर कोर लीडर्स बनाने हैं, एक ऐसे लीडर्स बनाने हैं जो बिना अपलाइन के भी आगे काम कर पाए, बिना अपलाइन के भी वो नेटवर्क को आगे लेके जा पाए। इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें उनको सिखानी है? सबसे पहला उनको सिखाना है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना सिखाना है। दूसरा फॉलोअप करना सिखाना है, ऑर्डर प्लेस करना सिखाना है, ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाना है और पैकेज ट्रैकिंग करना सिखाना है। सामने वाले का पैकेज कब निकला, कितने तारीख को निकला और उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये चार पांच चीज अगर आप सिखा देते हैं तो सामने वाला किसी नए आदमी को ज्वाइन कराने के लिए उसे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद नए नए लोगों को वो ज्वाइनिंग करा सकता है, उसका पैकेज सेलेक्ट करा सकता है, उसका ऑर्डर करा सकता है और उसका सामान उसके घर तक पहुंचा सकता है। ये सारी चीजें आपने अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को सिखाना है। अगर ये चीज कोई भी आदमी सीख जाए तो उसको छोटे छोटे काम के लिए अपने अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो तेजी से अपने नेटवर्क के अंदर नए नए लोगों को जोड़ पाएगा। तो ये चीज आपने सिखाना है। उसके अलावा दोस्तों 100% यूजर बनना है। अगर आप तेजी से सिल्वर बनना चाहते हैं या आप सिल्वर बन गए हैं तो दोस्तों मेरा आपसे एक ही चीज कहना है, आज सेफशॉप के अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास में जो कि इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट को हमने और आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को सबसे पहले हमने और आपने सेल्फ परचेस करना पड़ेगा। एक टैग लाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को हमने और आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्रमोट करने पे लगे हुए। माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रमोट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेफ शॉप के जितने भी प्रोडक्ट्स है आप पहले खुद इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में जब उसका बेनिफिट आपको दिख रहा है उसके बाद में आप उसे प्रमोट कीजिए। आपका नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ने वाला है। रीपर्चेस कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा और सारे प्रोडक्ट को। मैं आज भी देखता हूँ लोग जो बाहर के जो मास्क है उसे पहन रहे हैं। आप सेफ शॉप का आप मास्क पहनिए, आप सेफ शॉप के साबुन से आप नहाइए, सेफ शॉप के टूथपेस्ट से आप रोज पेस्ट कीजिए। उसके अलावा जो भी सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स है, आपके घर में सेफ शॉप का झंडू बाम होना चाहिए, आपके घर में सेफ शॉप की फर्स्ट स्पीकिंग भगवत गीता होनी चाहिए, आपके घर में संपूर्ण हनुमान होना चाहिए। जो सूट हम पहन रहे वो सेफ शॉप का होना चाहिए, जो शर्ट हम पहन रहे वो सेफ शॉप का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हर वो चीज जो सेफ शॉप के अंदर मिलती है तो दोस्तों वो सेफ शॉप से ही हमें खरीदना है अगर हम ईमानदार है, क्योंकि जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये हमारे नेटवर्क में नहीं होने वाला है। मैंने आपको पहले बता दिया कल्चर डेवलप करना है, कल्चर। आप खुद सेफ शॉप के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके नेटवर्क के अंदर ये कल्चर डेवलप होगा, आपका नेटवर्क भी सेफ शॉप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, तब जाके दोस्तों नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ेगा, तब जाके आप तेजी से आगे के लेवल को अचीव करेंगे। तो 100% यूजर बनना है। इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं आप सभी के सभी लोगों ने सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है और उसे इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आपको देख के आपके पड़ोसी भी इस्तेमाल करेंगे, आपके नेटवर्क भी इस्तेमाल करेंगे, जितने भी लोग आपको जानते हैं, जितने भी लोग आपके टच में हैं, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, वो आपके पास में जब सेफ शॉप का प्रोडक्ट देखेंगे तो दोस्तों वो भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जमाना कॉपी का है, लोग एक दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप अपने घर में कोई भी नया सामान लेके आइए तो आपका पड़ोसी दूसरे दिन उस सामान को खरीद के अपने घर में लाता है, यस या नो? तो हर कोई एक दूसरे को कॉपी करना चाहता है। हमने और आपने शुरुआत में एक पेप्सोडेंट खरीदा था हमारे घर के लिए, उस पेप्सोडेंट को देख के हमारे पड़ोसी ने शुरू किया, उसको देख के उसके पड़ोसी ने शुरू किया, उसको देख के उसके पड़ोसी ने शुरू किया, कॉपी कर करके आज पूरे हिंदुस्तान में ये ब्रांड बिक रहे और ये आज ये इंडस्ट्री ने बहुत सारा पैसा कमाया।
लेकिन दोस्तों हमको और आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन दोस्तों आज हमारे पास में खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये आगे जब प्रमोट होगा तो दोस्तों हमको और आपको ढेर सारा इनकम, मान सम्मान, एक पहचान हमको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं आप सबके पास में भगवत गीता होना चाहिए। अगर आपके पास में होगा तो आपका पड़ोसी भी लेगा, आपके नेटवर्क भी लेंगे, आपकी टीम के अंदर जितने भी नए लोग हैं वो सारे उस प्रोडक्ट को लेंगे, काम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपने करना है और अपनी टीम को बताना है आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट से आपको क्या फायदे हुए हैं। आप जहां पर भी जाते हैं इसको डिस्कस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आप जब 100% यूजर बनेंगे आप रेगुलर रीपर्चेस करेंगे, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि मैंने बता ही दिया कल्चर डेवलप करना है, आप रीपर्चेस करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली रीपर्चेस होगा, क्योंकि ये परंपरा बन जाएगी, ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। आगे बात करूंगा दोस्तों 3 कार्डिनल रूल, आपने हमेशा 3 कार्डिनल रूल को याद करना है और इस सिद्धांत को फॉलो करना है। वैसे तो इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं आप सभी को 3 कार्डिनल रूल के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको जरूर एक बार दोबारा याद दिलाना देना चाहता हूँ ये 3 कार्डिनल रूल होता क्या है। दोस्तों सबसे पहला 3 कार्डिनल रूल में आता है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले बिना अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे नहीं करना है, एक बार जरूर उनसे सलाह लेना है। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग दिमाग भी लगाते हैं, बोलते हैं सर हम ऐसा करेंगे, अपना दिमाग से काम करने की कोशिश करते हैं और बाद में जब नुकसान होता है तो बोलते हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो कोई भी नया काम करने से पहले अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह लेंगे तो दोस्तों आपको हमेशा कोई भी नुकसान होने से पहले आपका अपलाइन आपको बचा देगा। दूसरा दोस्तों 3 कार्डिनल रूल में क्या आता है, नेवर एवर शेयर नेगेटिव थिंग विथ योर डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। कभी भी कोई भी नेगेटिव बातें अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन के साथ में नहीं करना है। ये है दूसरी चीज, नेगेटिव बातें क्यों नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी टीम के साथ में, अगर आप अपने कोलाइन के साथ में अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो दोस्तों आपका नेटवर्क कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव चीजें दीमक की तरीके से होती है जो आपके नेटवर्क को अंदर ही अंदर से खोखला बनाती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो पॉजिटिव बातें कीजिए अपने नेटवर्क में, अपने कोलाइन के साथ में। अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ के उनसे पर्सनली आप शेयर कीजिए, जिससे आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा। तीसरी चीज 3 कार्डिनल रूल में तीसरा चीज क्या आता है, नेवर एवर हर्ट, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी के पैसे को हर्ट नहीं करना है और किसी के माता बहनों को। थैंक यू। किसी के माता बहनों को दोस्तों अपने माता बहने के जैसा देखना है, क्योंकि ये बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में ढेर सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे और बहुत सारे लोग बुरे भी होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमने इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का नेटवर्क है, लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के काम करना है। और जैसा एक अच्छे कैरेक्टर से, एक अच्छे नजर से आपने लोगों को देखना है, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर आपके साथ में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, लेकिन दोस्तों सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना है और एक अच्छा रिलेशन बना के आपने इस नेटवर्क पे आगे बढ़ना है। तो हमेशा इस 3 कार्डिनल रूल को आपने फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि ये चीजें आपके नेटवर्क को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज, किसी के पैसे के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है और किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, ये 3 कार्डिनल रूल में आता है। और आगे दोस्तों आप एक लीडर बन चुके हैं, आपके पास में कुछ टीम बनी है, तो हमेशा आपने ये चीज अपने नेटवर्क में एक नोटिस करना है, आपके नेटवर्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लान एंड फॉलोअप होने चाहिए।
अगर आप एक लीडर है और अगर आपकी टीम में बढ़ते क्रम में प्लान या फॉलोअप नहीं हो पा रहे हैं तो आपके नेटवर्क में तेजी से ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं तेजी से ग्रो करना तो दोस्तों आपने क्या करना पड़ेगा, लगातार तेजी के साथ में अपने नेटवर्क में बढ़ते क्रम पे प्लान शो को बढ़ाना पड़ेगा और फॉलोअप को बढ़ाना पड़ेगा। यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपने शुरुआत करना पड़ेगा ज्यादा प्लान दिखाने का, आपने शुरुआत करना पड़ेगा ज्यादा फॉलोअप करने का। दोस्तों जब ये कल्चर बनेगा तो आपके नेटवर्क के अंदर हर आदमी हर इंसान ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में स्कूटी स्कूटी या बाइक टू व्हीलर होना चाहिए जिससे आप तेजी से बिजनेस को आप आगे कर पाए। लैपटॉप होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए और मैं तो ये कहूंगा भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान आपके पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हमारे पास में ऐसे दमदार प्रोडक्ट्स है। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास में होंगे और अगर इसका डेमो आप जहां पर भी जाते हैं अपने साथ में भगवत गीता या संपूर्ण हनुमान को आप रखिए और वहां पे जाके आप डेमो कीजिए। आप जहां पे जाते हैं वहां पे आप लोगों को अगर इससे दिखाएंगे, अगर आप कसम खाते हैं कि रोज अगर आप ये प्रोडक्ट को 10 लोगों को भी अगर आप दिखाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप 10 दिन के अंदर 100 लोगों को दिखाएंगे। और गारंटी इस बात की, अगर आप 100 लोगों को इतने बेहतरीन प्रोडक्ट दिखाएंगे तो दोस्तों 30 से 35 लोग जरूर इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और आप इस बिजनेस में तेजी से लगातार ग्रोथ करेंगे। तो इसके लिए ये सारे चीजें आपके पास में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी इतनी बढ़िया है, कंपनी ने हमारे और आपके लिए एक महीने का टारगेट दिया था। इस पैनल के अंदर जितने भी लोग फ्रेशर है, सिल्वर है और गोल्ड है, उन लोगों को अपने नेक्स्ट लेवल अचीव करने पर उनको एक टारगेट दिया था। और बहुत सारे लोगों ने यह भी सोचा, अरे मेरा तो इतना बीबीए होने वाला तो नहीं है, और उन्होंने ताकत नहीं लगाई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी इतनी दमदार है, एक महीना टारगेट कंप्लीट होने के बाद में कंपनी ने दोबारा एक महीना दिया। आज उनको रिग्रेट हो रहा है, यार पहले एक महीने से ताकत लगाया होता तो अभी 100% हमारा टारगेट फाइट हो जाता। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास में समय है, क्योंकि दोस्तों आज आप देख सकते हैं, आज 9 तारीख है, यानी कि दोस्तों अभी भी आपके पास में 21 से 22 दिन आपके हाथों में है। आप अपना अगला लेवल अचीव करके उस टारगेट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं और 100% वो टारगेट आपका क्वालिफाई होगा। माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा टैब जीत के दिखाना है, लैपटॉप जीत के दिखाना है। जो लोग इस बिजनेस में आए फ्रेशर, 1 अगस्त 2019 के बाद में जिनकी ज्वाइनिंग है, जिनको अभी भी फ्रेशर दिखा रहा है, अगर वो सिल्वर बनते हैं तो कंपनी उनको टैब दे रही है। क्या दे रही है? टैब। जो 1 अगस्त के पहले के ज्वाइनिंग है, जो जिन्होंने 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया, वो आगे क्या करेंगे? लेकिन दोस्तों मैं आपको भी जरूर बताता हूँ, आप भी जल्दी सिल्वर बनिए, क्योंकि दोस्तों गोल्ड में आपके लिए भी दूसरा रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है। आप सोचेंगे कंपनी कुछ देगी तो हम सिल्वर बनेंगे, ना ऐसा नहीं है, आप सिल्वर बनो। दूसरी चीज, जितने भी लोग सिल्वर बन चुके हैं उनके लिए कंपनी ने कोई क्राइटेरिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा है। भले आपकी ज्वाइनिंग 2001 की हो, अगर मान लीजिए कोई आदमी ने कंपनी जैसे शुरू हुआ उस समय ज्वाइन किया होगा 2001 से, 20 साल से वो कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर घिस के वो सिल्वर बन गया, उसके लिए भी कंपनी ने मौका दिया है कि तू गोल्ड बन, लैपटॉप ले जा। इतनी बढ़िया कंपनी है हमारी। और आज जो गोल्ड है, जिनको साइड पे गोल्ड दिखा रहा है, वो पर्ल बनेंगे, अपना अगला लेवल अचीव करेंगे और वो क्या, उनको क्या मिलेगा? लैपटॉप और मल्टीमीडिया किट। क्योंकि दोस्तों ये जो सारा टारगेट है, ये कंपनी ने आपके और हमारे लिए ये टारगेट हमको दिया है। और दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा काम बढ़ाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों फोकट में तो सिर्फ गोबर मिलता है। क्या मिलता है? अगर आपको फोकट में कुछ चाहिए तो आपको गोबर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको दूध चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ये टारगेट अगर आपने क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा अपने काम को आपने बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो सिल्वर लेवल के अंदर है, जो गोल्ड लेवल के अंदर है, ये सारे के सारे लोग लैपटॉप
और टैब जितने भी लोग फ्रेशर है जो 1 अगस्त 2019 के बाद के ज्वाइनिंग है, ये सारे लोग इस टारगेट को क्वालिफाई करके दिखाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप सारे लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कल्चर हमने और आपने डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप टारगेट क्वालिफाई करेंगे तो दोस्तों ये परंपरा बनेगी कि हमारे अपलाइन ने सिल्वर लेवल पे टारगेट क्वालिफाई किया, ये आपकी टीम को बिलीव होगा कि टारगेट क्वालिफाई किया जा सकता है। और दोस्तों आपका हर फ्रेशर लीडर टारगेट जीतेगा और जीतने की कोशिश करेगा। अगर कोई गोल्ड लेवल पे टारगेट जीतता है तो आपका सिल्वर लीडर टारगेट क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसे बिलीव होगा जब हमारे लीडर ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्ल लेवल पे टारगेट क्वालिफाई करता है तो उसके गोल्ड लीडर भी टारगेट क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा और शुरुआत हमने अपने आप से करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है इस बिजनेस में जब पहली बार हमारे महागुरु जी अविनाश सर ने टारगेट क्वालिफाई किया था, मुझे नहीं पता था उससे पहले कि टारगेट क्वालिफाई होता है। जब उन्होंने टारगेट क्वालिफाई किया तो हमारे नेटवर्क के अंदर एक कल्चर डेवलप हुआ। मुझे ऐसा लगा अरे टारगेट क्वालिफाई भी होता है, हमारे अपलाइन ने टारगेट क्वालिफाई किया। और मुझे ये बिलीव हुआ जब हमारे अपलाइन टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने भी 5 बार लगातार कंपनी का टारगेट क्वालिफाई किया। और दोस्तों मैंने ये क्वालिफाई किया, ये कल्चर डेवलप हुआ नेटवर्क के अंदर। और हर टारगेट के अंदर हमारे नेटवर्क के अंदर ढेर सारे लोग टारगेट जीत रहे हैं और लगातार जीतते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कल्चर डेवलप किया गया। और आपका नेटवर्क अगर आप तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये कल्चर डेवलप कराना पड़ेगा। और शुरुआत आपने खुद से करनी पड़ेगी। आप एक बार टारगेट जीतिए, आप अपनी टीम को बताइए कि मैंने इस लेवल के अंदर टारगेट जीता था। जब ये कल्चर डेवलप होगा, आपकी टीम बिलीव करेगी, आपकी टीम टारगेट जीतना शुरू करेगा, तो दोस्तों लगातार लगातार आपके नेटवर्क के अंदर लोग टारगेट जीतते रहेंगे। और दोस्तों तेजी से आपका लेवल आगे बढ़ता रहेगा और लोग भी आगे के लेवल को अचीव करते रहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों ये कल्चर डेवलप शुरुआत आपने अपने लेवल से खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने नेटवर्क में अपनी टीम को बोलेंगे आप करो तो वो नहीं करेंगे। आपने प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि टारगेट जीता जा सकता है, टारगेट जीता जा सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट लेवल आप देखिए आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। आप खुद अपना रिपर्चेस डालिए, जो भी प्रोडक्ट्स आप उसको प्रमोट करना, अपने साथ में आप स्टॉक बनाइए, आप रिपर्चेस डालिए, अपने नेटवर्क को आगे आप बताइए, वो भी स्टॉक करेंगे और उसको आप तेजी से प्रमोट कीजिए। कैसे टारगेट फाइट नहीं होगा, मैं आपको जरूर एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। अगर इस पैनल के अंदर अगर कोई गोल लीडर है, क्या है, अगर कोई गोल लीडर है इस पैनल के अंदर, अगर उसे अगर पर्ल बनना है, अगर उसे मुश्किल से 2000 या 3000 या तो 4000 बीबी या तो 5000 बीबी उसको चाहिए पर्ल बनने के लिए, तो वो अपने नेटवर्क के अंदर एक मीटिंग रखे और उस मीटिंग को रखने के बाद में खुद कसम खाए। वो सबसे पहले खुद कसम खाए कि आज शाम तक मैं तब सोऊंगा जब मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम में जमा करूंगा। वो खुद कसम खाए, खुद कमिटमेंट ले और अपनी टीम से भी वो कमिटमेंट ले। अगर उस पैनल के अंदर वो 50 लोगों को भी लेके आ सकता है, 50 लोगों के साथ अगर वो मीटिंग करे, अगर वो कमिटमेंट करे एक पर्ल लीडर कि मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम आज ही मैं कंप्लीट करने वाला हूं और मैं करूंगा, और लोगों से भी कमिटमेंट ले, लोगों को भी कमिटमेंट दिलाए कि आज रात को सोने से पहले सारे लोग 200 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे, और अपना स्क्रीनशॉट सबसे पहले खुद भेजे, तो दोस्तों उसके नेटवर्क के अंदर, उस पैनल के अंदर जितने भी 50 लोग है, अगर उन्होंने एक दिन के अंदर 200 बिजनेस वॉल्यूम जमा कर दिए तो दोस्तों एक दिन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जमा हो जाएंगे और रातों रात एक आदमी सिल्वर बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कमिटमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक आदमी 200 बिजनेस वॉल्यूम का कमिटमेंट ले तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं, वो आसानी से 200 बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है। लेकिन हर किसी को ये कमिटमेंट करवाना जरूरी है। इस तरीके से आसानी से टारगेट जीता जा सकता है। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं, हम और आप मिलके इस टारगेट को जीत के दिखाएंगे और 100% जीतेंगे। क्या आप सारे लोग मेरे साथ में तैयार है? और दोस्तों रॉयल क्रांतिकारी टीम के अंदर टैब का और लैपटॉप की बरसात करके हम और आप दिखाने वाले हैं। और दोस्तों इस तरीके से काम करेंगे कि दोस्तों नाम होगा
और दोस्तों मैं लास्ट में आप लोग के एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से अपनी बातों को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों वो कहानी क्या है, दोस्तों अक्सर हम नेटवर्क में हैं, हम ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग आपको अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग आपको बुरे भी मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमेशा लोगों की बुराई करते हैं, जो हमेशा लोगों की बुरा चाहते हैं, इसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, उसका वो कर देंगे। दोस्तों आप कभी भी घबराना मत, अगर कोई आपका बुराई कर रहा है, कोई आपका आपका बुरा करना चाह रहा है, आप कभी भी टेंशन मत लेना, आप कभी भी चिंता मत करना, आप कभी भी घबराना मत, आप कभी भी गुस्सा मत करना, क्योंकि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम अपने मतलब उस पे आ जाते हैं, हम आक्रोश में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इंसान बुरा होता है उसके साथ में हमेशा बुरा होगा, लेकिन उसके साथ में रह के हमने बुरा नहीं बनना है। मैं आपको ये कहानी जरूर बताना चाहता हूँ, दो कहानी है, दो अलग अलग एग्जाम्पल देंगे आपको। सबसे पहले तो हमने ये नहीं डरना है जो हमारी बुराई करता है और जो हमारी मतलब हमारा बुरा करने की कोशिश कर रहा है उससे नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है, एक बार की कहानी दोस्तों, एक मछुआरा था, बेचारा बहुत गरीब था दोस्तों, और वो क्या करता था, वो मछली मार के अपने परिवार का पेट पाला करता था। और एक समय ऐसा हुआ, 3 दिन वो लगातार मछली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसे बिल्कुल भी मछली नहीं मिल रहा था, मछली नहीं मिल रहा, मछली नहीं मिल रहा, 3 दिन से उसका परिवार भूखा था। और एक दिन वो जब मछली मार रहा था और मछली मारते वक्त उसके बंसी पे एक बहुत बड़ा मछली फंसता है, और मछली फंसने के बाद वो आदमी बहुत खुश हो जाता है उस मछली को लेके। लेकिन उसी समय एक इंसान उसके सामने आता है, एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान उसके सामने आता है, और आने के बाद में उससे वो मछली छीन लेता है, अपनी ताकत दिखाता है और उससे वो मछली छीन लेता है, और उसे बोलता है मछली मुझे दे, ये मछली मैं खाऊंगा, बल्कि वो मछली छीन के वो वहां से वो लेके जाता है। और बीच रास्ते में वो मछली इतनी बड़ी होती है कि वो मछली उस इंसान के हाथ पे काट लेती है, और काटने के बाद में वो मछली छूट जाती है, और वो तेजी से भाग भाग के वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उस घाव को जब देखता है तो डॉक्टर बोलता है आपकी ये जो उंगली है ना, इसको काटना पड़ेगा, इस उंगली को आपने काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो इंसान डर जाता और बोलता है ठीक है उंगली काट दो, उंगली को वो डॉक्टर काट देता है, और काटने के बाद में उसको बोलता है 1 हफ्ते के बाद आइए। तो 1 हफ्ते के बाद में जब वो जाता है तो जब उस पट्टी को खोलता है, देखता है वहां पे फिर सड़ा हुआ होता है, तो बोलता है कि आपको ये पूरा यहां तक आपको काटना पड़ेगा, पूरा रिश तक, नहीं तो आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा। वो इंसान डर जाता है, फिर दोबारा उसको काट लेता है, काटने के बाद फिर मरम पट्टी होती है, फिर उसको बोलता है 1 हफ्ते बाद आना। फिर 1 हफ्ते बाद जब जाता है, जब वो पट्टी खोलता है तो देखता है वहां पर भी सड़ गया है, तो बोलता है यहां तक आपको काटना पड़ेगा, तो यहां तक फिर वो काटता है, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, यहां तक फिर काटता है, फिर मरम पट्टी उसकी होती है, तो बोलता है फिर 1 हफ्ते बाद आना, डॉक्टर बोलता है। तो फिर 1 हफ्ते बाद जब जाता है, यहाँ की पट्टी जब खुलती है, देखता है यहाँ पर भी सड़ गया, तो फिर बोलता है यहां तक काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको बोलता है आपने किसी के साथ में कुछ किया था क्या, किसी ने आपके आपके ऊपर कोई जादू टोना कुछ लगाया है क्या, याद करो कुछ किया तो नहीं आपने। तो इंसान याद करता है उस मछुआरे को, यार उस मछुआरे ने वो मछली पकड़ा था और मैंने छीना था उससे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस मछुआरे के पास में उसी जगह पे जाता है, और वो मछुआरा उसी जगह पे मछली मार रहा होता है, तो उस मछुआरे के पैरों में वो पड़ जाता है, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बोलता है कि आपने क्या किया है ऐसा, आपने कौन सा ऐसा जादू टोना किया है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है, उससे पूछता है, तो वो इंसान बोलता है भाई साहब मैंने ऐसा कोई जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो बस इतना किया था, आपने जब मेरे हाथ से वो मछली आप छीन के ले गए थे ना, आप जिस समय मेरे हाथ से वो मछली छीन के लेके जा रहे थे, मेरी परिवार 3 दिन से भूखा था, और मैं उस समय आपने जैसे छीना ना, मैंने ऊपर वाले को ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देखा और ऊपर वाले को बोला हे ऊपर वाला, आज इसने मुझे अपना ताकत दिखाया है, तू अपनी ताकत इसे दिखा दे, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था और मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तो दोस्तों अगर कोई बुरा करता है,
तो उसके साथ में बुरा होने वाला है। 5G का जमाना, 4G का जमाना है, इंस्टेंट कर्मा मिलने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना आप कर्म करते रहो, आप अपना काम करते रहो दोस्तों, आपको सफलता 100% मिलेगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इस कहानी के साथ, और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो क्या हमें भी उसके साथ में बुरा करना चाहिए? नो, नेवर। क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, महान साधु ऋषि मुनि, जिनके बहुत सारे शिष्य थे, उनके बहुत सारे फैन थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर थे। वो गंगा किनारे गए और गंगा किनारे जाके वो स्नान कर रहे थे, और स्नान करते समय उनकी नजर एक बिच्छू पे पड़ी। किस पे पड़ी? एक बिच्छू पे पड़ी। वो बिच्छू वो डूब रहा था, तो जैसे वो बिच्छू डूब रहा था तो साधु ने क्या किया, अपने हथेली में उस बिच्छू को उठाया, और उठाने के बाद में उसे किनारे पे लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो बिच्छू क्या कर रहा था, बिच्छू ने उनके हाथों पे डंक मारा। क्या मारा? एक बार डंक मारा, साधु ने बोला आ, दूसरी बार डंक मारा, लेकिन फिर भी वो साधु उसको हाथ हथेली में लेते हुए किनारे की तरफ आ रहे। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, दसवीं बार, बारहवीं बार, ऐसा करते करते साधु को बहुत दर्द हो रहा है, और वो उस बिच्छू को लेके बाहर नदी किनारे उस बिच्छू को छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो छोड़ते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य, उनके फॉलोअर साधु जी को ऐसे करके देख रहे होते, घूर रहे होते, और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, पता नहीं ये साधु कैसा है, हम इसे महान आदमी सोचते थे, ये तो बेवकूफ निकला, अकल तो है नहीं इसपे, ऐसा वो सोच रहा था। तो साधु ने जब अपने शिष्य के चेहरों पर देखा तो उनको लगा कि शायद ये कुछ पूछना चाह रहे। उन्होंने पूछा, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, आप कुछ जानना चाह रहे हैं क्या? तो किसी भी शिष्य पे हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने गुरु से कुछ पूछ ले, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन साधु ने, साधु जी माने नहीं, उन्होंने जबरदस्ती पूछा, नहीं नहीं बताओ क्या बात है। तो एक शिष्य ने हिम्मत करके बोला, महाराज जी आप एक बात बताइए, आप में इतनी भी अकल नहीं है, आपने हाथ में अपने हाथ पे बिच्छू लिया और उसने आपको डंग मारा, तो उसको आपने छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हम तो आपको महान आदमी सोचते थे, महाज्ञानी आपको सोचते थे, आपको डंक मार रहे आप फिर भी उसे छोड़ नहीं रहे और आप उसे किनारे पे लेके आ रहे, ये क्या ट्रिक्स है, इसमें क्या लॉजिक है? तो साधु जी मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटा आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, वो बिच्छू है और वो एक जानवर है, और बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। क्या? बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। जब वो एक जानवर होके अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं एक इंसान हूं, मेरा स्वभाव है लोगों के साथ में अच्छी तरीके से पेश आना, लोगों को बचाना, मेरे सामने अगर कोई तकलीफ पे है तो उसकी मदद करना, जब वो एक जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो इंसान हूं, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? थैंक यू दोस्तों, और इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा, और आप सभी लोगों में धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से मुझे सुना, अपना समय लेके। लेकिन दोस्तों एक ही चीज है दोस्तों, अपने आप को साबित करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है दोस्तों, ऐसा काम करना। आज भले ही इस पैनल के अंदर जितने भी लोग है, ऐसे लोग भी होंगे जिसको कोई नहीं जानता होगा इस पैनल के अंदर, लेकिन दोस्तों गारंटी इस बात की है, अगर आपने दमदारी से काम किया, टारगेट क्वालिफाई करके दिखाया, तो दोस्तों इस पैनल के अंदर ही नहीं, हर पैनल के अंदर आपका नाम लिया जाएगा, और दोस्तों आपकी पहचान बनेगी। अपना पहचान बनाना है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू जीवन सर, जीवन सर के लिए एक जोरदार